नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। हाजियापुर क्षेत्र में मुख्य मार्ग का निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी। हाजियापुर क्षेत्र में मुख्य मार्ग का निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि यहां पर सड़क का निर्माण ना होने से जलभराव की समस्या अधिक देखी जाती थी। घरों में जलभराव हो जाता था और राहगीरों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब मुख्य मार्ग का निर्माण हो रहा है, हाजियापुर का विकास भी होगा। साथ ही कहा कि हाजियापुर में सालों से बदहाल पड़ी सड़कें और गलियां अब बनना शुरू हो गई हैं। जल्द ही हाजियापुर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो खराब थी तो करीब 15-16 सालों से खराब रोड को ऐसी पड़ा हुई। क्या दिक्कतें होती थी? ये पानी भर जाता था इन पर बहुत ज़्यादा, समझे नहीं। और आगे कोई अपने अपने दरवाजे का आगे डाल लिया करता था गट्टा, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। जब अब आराम मिला है, हाँ घर में भी जल भरा हो जाता था। आप जो बहुत अच्छी बात है कि बनने आएगा तो आराम है, अब तो आराम हो जाएगा। ये रोड कहाँ कहाँ तक जाके जुड़ा है? ये रोड आगे से चलाएगा तो 300 में बन जाएगी। मतलब कहाँ कहाँ? पहले तो जगह टुकड़ा पड़ गया, एक रास्ता है कहाँ कहाँ निकल गया। ये डोली निकली है, यहाँ माडा टाउन निकली है, सकनैन नगर निकली है, समझे। उधर ये एक पजों में निकली है, यही रास्ता है। ये और बताइए, बहुत सा काम कर रहे हैं, उससे पहले किसी से बस अच्छा काम नहीं कर रहा। इतनी सालों के बाद रोड निर्माण हुआ है, कम से कम मेरे यहाँ 7 साल के बाद, वो भी सभा सद ने करा दी, होता भी नहीं है। ठीक है, किस तरीके की परेशानी सामने आती थी? पानी की परेशानी बहुत बड़ी थी यहाँ पे, और पहले उस समय फिर बिल बन गया, वो उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। हाजियापुर में महीना भर तक पानी भरा जाता था, बच्चे पढ़ने तो आदमी काम नहीं करने आता था, पूरा बिहार बन जाता था ये। कई जानवर मर गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कई जानवर मरे गए, एक नहीं कई। स्कूल जाने के लिए बच्चे जाते ही कभी निकलते ही नहीं थे, बच्चे जाएंगे कहाँ? जब बच्चे निकलेंगे तभी तो जाएंगे, हम ही नहीं निकलते थे, बच्चे का यहाँ बच्चे के निकलेंगे। ठीक है, खुशी है कि रोड का निर्माण, बहुत ज़्यादा खुशी है। और सबसे मेन की सभा सद की बहुत अच्छी, मतलब काम रहा उनका बहुत बढ़िया। आने वाले वक्त में हाजियापुर का क्या हालात होंगे? आने वाले का गुड्डू भाई होंगे तो अच्छा ही होगा माहौल, नहीं बनना हो कहेंगे तो भाई नहीं। बस की बात चाह रहे, मेन रोड का निर्माण हो रहा है काफ़ी सालों के बाद, यहाँ के लोगों का क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है। इससे पहले और भी मर आए, ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ जल भराव होता था, वीडियो वीडियो पानी भर जाता था, कीड़े होते थे, कचरा बहता था इसके अंदर, 8-8 दिन पानी सड़ता था इसमें। अब ये सब समस्या जो है सब खत्म हो गई। गलियों के क्या हालात हैं? गलियों के बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत बढ़िया हो गए गलियाँ। जो थी होता था अब नहीं, होता था अब नहीं, अब जो गलियाँ थी वो जो थी खराब जो थी अब वो सही हो गई, और जो रह गई हैं वो भी जो है जल्द से जल्द सही हो जाएंगी। देख रहा हूँ यहाँ पर कॉलेज का भी निर्माण होने वाला है। हाँ, कॉलेज का भी शुरू हो चुका है, कॉलेज का भी शुरू हो चुका है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा होगा बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव होगा, बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। जितने लोगों को, गरीब लोगों को इतनी यहाँ परेशानी थी, वो परेशानी सब खत्म हो जाएगी, और हो चुकी है हल्के हल्के, और हो चुकी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत टाइम के बाद में बहुत अच्छा काम हुआ है ना, अच्छा काम कर रहा है ना। और रही पानी की, 35 साल से समस्या थी पानी की, क्या ना समझे, आज पानी की समस्या भी दूर हो गई है, क्या ना। हाँ, कितने सालों से देख रहे थे हम? काफ़ी टाइम से ऐसे देख रहे थे, अब तो जरा वो है गली में तो अच्छा है, मतलब आपने जो भी करा अच्छे कर दिया। माशाल्लाह काम बहुत बढ़िया हुए हैं, पानी निकासी हो गई, रोड भी पड़ना है सब जगह के। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाके मिल रहा है? ये रोड मिल रहा है चौराहे पे, और इधर से मिला है सब्बैल तक, ये जाके सब्बैल तक नया रोड हो गया। क्या परिवर्तन मिला है? परिवर्तन पूरा सुधार हो गया है। एक तो हमारे मकान जो बैठते रहते थे, रोड ऊँचे हो रहे हैं, मकान बैठ रहे हैं, पानी निकासी नहीं थी। सब्बैल बनने से हमारे मकानों की लैब बढ़ गई। पार्षद ने बहुत मेहनत की है, उसका नतीजा मिल रहा है, रिजल्ट है।